देखिए आज नहीं मैंने बनाने जा रही हूँ ढोकला। ढोकला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले भगोनी रखा, उसके बाद मैंने एक कप बेसन इसमें डाल दिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा हरी मिर्ची छोटा छोटा काट के रखा, वो भी मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ी सी अदरक भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, और स्वाद अनुजाई नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, चीनी मैंने पीस के रखा था दोस्तों, तो इसको भी मैंने इसमें चीनी पीस के डालेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। फिर उसको मिला लेते हैं अपन। अब मिला लिया, अब इसमें थोड़ा पानी डालना है, दो चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया, इस चम्मच की डेढ़ चम्मच दही डाल दिया, और डाल दिया थोड़ी सी नींबू की रस, एक चम्मच करीब मैंने नींबू की रस डाला, और इसमें मैंने पानी एक कप लिया था, अभी तक पूरा पानी दिए नहीं है, इसको कम से कम एक ही तरफ से दोस्तों, एक ही तरफ से आप 5 मिनट इसको अच्छे से फेंटना, फिर इडली बहुत अच्छी बनेगी। मैंने एक कप पानी लिया था दोस्तों, तो मेरे पास इतना पानी बचा है, बाकी पानी इसमें ऐड कर दी, आप आपकी एटीएम के हिसाब से पानी डालना, तो इसके एक ही तरफ फेंटना दोस्तों, और पानी आपको हिसाब से आप पानी जैसे बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, और 5 मिनट इसको अच्छे से जोर जोर से फेंटना। देखिए मेरा यहाँ पे 5 मिनट मैंने एक ही तरफ से फेंटा है दोस्तों, इसी तरफ आप दूसरा तरफ से मत फेंकना, फिर वो फट जाएंगे, तो एक ही तरफ से फेंटना, मेरा हाथ दर्द हो गई, तो अच्छा खाने के लिए थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 10 मिनट हो गए दोस्तों, मैं ढक्कन खोल के देख लेती हूँ, देखिए मेरा बटर, लेकिन मैंने एक चीज़ भूल गई थी, तेल डालना, तो आप तेल ज़रूर डाल देना। देखिए इस टाइप का बैटर बना होना चाहिए, बिल्कुल इस टाइप का बैटर होंगे तभी अच्छी बनेंगे। अब मैंने इसमें जो बनाएंगे इस टाइप पर एक भगोनी ले लिया, अच्छी तरह से इसको फैला लेना, इनो डाल देती हूँ, इनो डाल के आपको 1 मिनट तक इसको फेंटना है। हो चुकी है दोस्तों, और मैंने तुरंत इसको आप डाल देना जरूर, हो चुकी है पानी, इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया। ये दोस्तों 10 मिनट हो चुकी है, मैंने एक बार ढक्कन खोल के देखता हूँ, आप देख लीजिए कितनी बढ़िया से बन चुकी है मेरा ढोकला। देखिए दोस्तों इस टाइप पर एक वो लेके काटी, और आप देख सकते हो बिल्कुल ही, तो आप देख सकते हो बिल्कुल हो चुकी है। अब मैंने इसको बंद कर देती हूँ, छोक लगाने के लिए राई दे देती है, इसको अपने आपके हिसाब से मिर्ची डाल देना, पानी डाल दीजिए, नमक डाल देना, उसके बाद एक चम्मच चीनी, जब तक ये चीनी नहीं गले दोस्तों तब तक मुझे इसको उबालना है। देखिए चीनी गल चुकी है दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1.5 नींबू की रस निकाल के रखा है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया दोस्तों। अब इसको काट सकते हैं दोस्तों, तो मैंने इसको इस थोड़ा सा काटना है, देखिए मेरा ये ढोकला
इतनी बढ़िया से बन चुकी है दोस्तों, बिल्कुल क्वालिटी जैसी। तो बस बनाया और उसको मैंने चारों तरफ डालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढक देता हूँ। देखिए मेरा ढोकला बनके तैयार हो गई, 10 मिनट भी हो चुकी है दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक की बटन जरूर दबाना।